हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आपने ट्यून इन कर लिया है मेरा व्लॉग जो कि हैप्पीनेस से भरा हुआ है। ओके, आज के व्लॉग में मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ। वैसे क्लीनिंग का व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, बट मैंने सोचा कि बनाना नहीं था, मतलब कि मैंने ऑलरेडी क्लीनिंग कर ली है और अब एंड ऑफ द डे है और मेरे पास स्टिल काफ़ी एनर्जी बची हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। सो या ये उन दोस्तों के लिए जो मेरा क्लीनिंग का व्लॉग देखना चाहते थे। आई होप आप इस व्लॉग को इन्जॉय करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लीनिंग वाले दिन के साथ। क्लीनिंग करना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर एंड क्लीन्ड चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सो या अब सब कुछ क्लीन है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर अगर क्लीनिंग करना इतना ही आसान हो जाए जैसे हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो कितना मज़ा आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके लाइक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मुझे मज़ा आता है। और कमेंट जरूर करें कि आपको इस वीडियो में अच्छा क्या लगा, और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें और बेल को भी क्लिक कर लेना ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको बेल बज जाए। मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ तो मैं सारा दिन क्लीनिंग में स्पेंड करूंगी, रेस्ट करूंगी, क्लीन करूंगी, रेस्ट करूंगी, क्लीन करूंगी। और मेरी कोशिश होने वाली है ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लीन कर पाऊँ घर को। वैसे कोई प्रेशर नहीं है, अगर नहीं भी कर पाऊंगी तो चलेगा। पर पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नन्ही सी हॉल जो मैं कल विनर्स से स्टफ लेके आई थी, आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, शायद आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगे क्योंकि सारा कुछ प्लेन ही है। ओके, पहली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये एक ब्लैक टी शर्ट जो मैंने ली है, ऐसी है ये। इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा मुलायम किस्म का है। मुझे ऐसे कंफर्टेबल फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनको पहन के पता भी ना चले कि आपने कुछ पहना है। तो पहला है ये। देन मैंने एक टॉप लिया है, जैसे बटन्स वाला टॉप लिया है और जिसका नेक राउंड है और उसका कलर भी ऑफ वाइट है, वो ऐसा है। सो सिंपल है ये भी, बिल्कुल आई लाइक सिंपल। अब टी शर्ट्स ली हैं प्लेन, क्योंकि मैं एवरी डे टी शर्ट्स ही पहनना पसंद करती हूँ और हस्बैंड की टी शर्ट पहन के समटाइम मैं बोर भी हो जाती हूँ। सो मैंने अपने लिए खुद की पतली टी शर्ट्स ली हैं। ये है ग्रे मेरे पास नहीं थी, और एक वाइट ली है मैंने। इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, गुड क्वालिटी है, क्योंकि बहुत सारे वाइट फैब्रिक ऐसे होते हैं कि आपने नीचे क्या पहना है वो साफ साफ दिखता रहता है, पर ये अच्छा मोटा फैब्रिक है, इसमें नहीं दिख रहा है। और नीचे से ये गोल है और लंबी है, सो आप लेगिंग के साथ पहन सकते हैं अगर आपको लंबी टी शर्ट अच्छी लगती हैं। और एक मैंने ली है ये न्यूड टी शर्ट, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जो ऐसी टी शर्ट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके से आप पहन सकते हैं, आप ड्रेस डाउन ड्रेस अप एंड डाउन कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। सो मुझे ऐसी टी शर्ट्स अच्छी लगती हैं। और अब मैंने लिया है एक ये एक्टिव वेयर जो कि नी लेंथ का है, और इसको मैंने लार्ज लिया है और ये आया है 24.99 का, क्योंकि मुझे एक्टिव वेयर पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। सो मैंने लिया है अपने लिए ये। एंड मैंने आपको बताया था कि वहाँ से मुझे लेगिंग्स लेना अच्छा लगता है, और मुझे एक लेगिंग मिली है वहाँ से बहुत अच्छी, उस लेंथ की जो लेंथ मुझे अच्छी लगती है। और इसमें पॉकेट्स भी हैं, सो आप फ़ोन भी रख सकते हैं। और ये भी है 24.99 की, और ब्रांड है बैलेंस कलेक्शन। सो या इसकी फिटिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। सो या ये वाले कुछ कपड़े लिए हैं। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे क्लीनिंग वाले अभियान से। क्लीनिंग से मैं बहुत ज़्यादा जल्दी ओवरवेलम हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर लूँ एक ही दिन में, पर आज हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनने वाली हूँ। मैं पहनने वाली हूँ लेगिंग एंड टी शर्ट, एंड मैं आपको मिलती हूँ आई बी बैक। सो शुरुआत करेंगे, हमारे लिए कुछ प्ले करेंगे। म्यूजिक को सुनना मुझे अच्छा लगता है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो क्लीनिंग वाला इतना समय वेस्ट नहीं हो सिर्फ म्यूजिक से। सो मैं सुनूंगी कोई ऑडियो बुक या फिर मैं सुनूंगी कुछ मोटिवेशनल। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी मेरे बेड को बनाने से और कपड़ों को अरेंज करने से, क्योंकि मेरे घर में कपड़े हर तरफ फैले हुए हैं। और सबसे पहले कपड़ों को यहाँ पे लाया जाएगा और अरेंज किया जाएगा, उससे मुझे बेटर फील होगा। Cold sweat, I was in a nightmare, searching in the dark, but I couldn't find you. There were footsteps coming down the hallway, but when I turned around, it wasn't you. I was looking at myself, I couldn't see my face, but deep down I knew it was true. Shadows handed me a question, if I ever lost you, what would I do? What would I do? Do-do-do-do.
what I do. Do-do-do-do. Woke up from my premonition. I couldn't feel your warmth. I couldn't find you. So I flipped all, I ran into the kitchen. I found a little note saying I'll be back soon. Relief came with the little breath. With nothing else to do, I headed back to the room. When I saw the clock was hitting midnight, your clothes were all packed and the dog was gone too. So what do I do? Alright, दोस्तों मेरी क्लोजेट हो चुकी है क्लीन. मैंने हस्बैंड की भी क्लीन कर दी है. लॉन्ड्री वाले कपड़े जा चुके हैं और आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ. इस क्लीन क्लोजेट को करते हैं बंद. समय हुआ है 11:30. हिम्मत कुछ खाएगा और मैं फ्रूट बोल खा लेती हूँ. सो लेट्स गो डाउनस्टेयर. ऑलराइट दोस्तों, इस एरिया में भी काफी ज्यादा मैस है पर हम क्लीन कर लेंगे, डोंट वरी. अब मैं बनाने वाली हूँ एग एंड रोटी, नॉट रोटी परौंठी, क्योंकि हिम्मत को बहुत अच्छी लगती है और वो कह रहा है कि मुझे एग एंड रोटी परौंठी खानी है. सो यस, वो बनाएंगे हम. और मैं खाने वाली हूँ एलमंड्स भिगोए हुए. कितने? 3-6 एलमंड्स. और मुझे कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे खा लूँ. तू रेडी है. इससे पहले उसने सीरियल खा लिए थे, अब उसकी रोटी का टाइम है. आई एम गोना फीड हिम. ऑलराइट, बारी आती है हिम्मत का रूम टैकल करने की. अब हिम्मत को लेके आई हूँ मैं हेल्प करने के लिए. चल मिमी हेल्प कर, सारे टॉयज में चार मैनेज कर. नहीं, चेयर नु बाहर ले गया. From a nightmare, the sun was peeking its head into the room. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you? हिम्मत के रूम में मैं ये जो बेड है इसको डोर से हटाना चाहती थी. वैसे ऐसे प्राइवेसी सी है, अदरवाइज बिल्कुल डोर खुला हो तो हिम्मत दिखता था. अब उसका जो बेड है काफ़ी प्राइवेट हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ. सो या अब हिम्मत का रूम इस तरफ हो गया और ये सारा एरिया इसके पास खाली है प्ले करने के लिए. जो काफ़ी ज़्यादा ओपन लग रहा है रूम. और यह टेबल है, इस पर ये अपनी लेगो वेगो करता रहता है. और चेयर जिस पर अब ये बैठता नहीं है. और सारे टॉयज़ हमने नीचे ऑर्गेनाइज करके रखे हैं. यहाँ पे शेल्फ भी लगाई है और टॉयज़ के लिए, और वो भी इसका रैक है टॉयज़ एंड इसकी पिक्चर्स के साथ. और इस वॉल पे और इस वॉल पे मैं आर्ट करूँगी कोई ना कोई. और मिमी का नन्ना सा लैम्प एंड टेबल. ओके, मिमी का बेड यहाँ पे आ गया. और मिमी के कर्टन स्टार वाले हैं जो हिम्मत की ब्लैंकी के साथ मैच करते हैं. और ये है मिमी की शेल्फ जिसमें मिमी पैसे सेव कर रहा है. और ये मिमी एंड उसके डैडी की पिक्चर जब वो छोटा सा काका था. दिस रूम इज डन नाउ. हिम्मत ने हेल्प किया मुझे. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूम की. बज गए हैं 1:30 और मैं थोड़ा सा आराम करने वाली हूँ, लाइक 5-10 मिनट ब्रेक लेती. देन मैं क्लीन करूँगी नानी रूम और उसके बाद वॉशरूम क्लीन करूँगी. दिस माय ब्रेक टाइम. सो अब मैं मेरे गेस्ट रूम को टैकल करने वाली हूँ. थोड़ा सा वैसे तो ये क्लीन ही है पर थोड़ा मिस ऑर्गेनाइज हो गया है और डस्टिंग करनी है.
वैसे मुझे डस्ट से बहुत बुरी एलर्जी है और मैं कोशिश होता है केमिकल से भी, मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लीनर यूज़ करूँ, मेथड का क्लीनर यूज़ करती हूँ, पर मैं बहुत लेजी हूँ हम नीचे जाने के लिए, सो इसी से कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी डस्टिंग है इस रूम में. दैट्स इट. एंड अब आ जाती है मेकअप रूम की और उतने बहुत ज़्यादा क्लटर है, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा. मैंने वॉशरूम्स में क्लीनर डाल दिया है टॉयलेट्स में, वो जब तक अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाएगा तो क्लीन कर लेंगे. ऑलराइट दोस्तों, तो देख लीजिए मैस. कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले कपड़ों को अरेंज करते हैं. कपड़े मैंने काफ़ी फैला के रखे हैं. No one knows I'm acting. Every time they're asking, make them believe that it's all good. Faking smiles and laughing, playing like I'm happy all the time. The girl who can't do everything, never bothered by anything. Crying till I can't cry no more. What the hell am I crying for? Keep saying I'm okay, I'm okay. Telling them I'm okay, even though mascara's running down, down my face. Really, I'm okay, in between. अब ये करना ज़रूरी है और मुझे ब्रशेस भी क्लीन करने हैं. मैं बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे स्पेंड नहीं करूँगी, थोड़ा सा मैंने कर लिया. अब ये सारा समेटती हूँ जो नीचे मैंने फैलाया है और थोड़ा सा उसको क्लीन कर लेती हूँ, और ब्रशेस को मुझे नीचे लेके जाना है क्योंकि मैं वॉश करना है. ऑलरेडी वीक हो चुका है कि मैंने वॉश नहीं किया. सो कीप सेइंग आई एम ओके, आई एम ओके, टेलिंग देम आई एम ओके, आई एम ओके. सो इसमें डाल लिया मैंने क्योंकि उसमें से गिर रहे थे और ये सारे क्लीन करने वाले हैं. कुछ साफ भी हैं पर ये सारे क्लीनिंग के लिए जा रहे हैं. 15-20 मिनट और मैं इस रूम में स्पेंड करूंगी, देन आई एम डन. सो इस रूम का आज के लिए बहुत ज़्यादा है. मैं बस इस कारपेट पे वैक्यूम करने वाली हूँ, देन मैं वीकेंड पे समय स्पेंड करूंगी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए. मुझे फ्लोर थोड़ा क्लीन चाहिए था काम करने के लिए. सो या So, मैं इस रूम में भी थोड़ा सा वैक्यूम करने वाली हूँ क्विकली. नथिंग सीरियस, ऐसे नथिंग सीरियस करते करते मैं थक जा रहा हूँ. अगर थोड़ा सा वैक्यूम मैं कर ही रही हूँ तो मेरे बेडरूम में भी कर लेती हूँ. Even though mascara's running down, down my face. 2-4 minute break. I don't wanna let you down. It's the only thing I think about every morning. You know my life ain't figured out. I almost forgot ki maine kuch bhi khaya nahi hai. So main khane wali hu ye wala salad jo maine kal banaya tha. Aur mujhe lagta hai main sara hi finish kar dungi. Ye salad khaungi aur main iske sath piungi mango juice. So maine kuch khaya tha. नो मेरी फास्टिंग चल रही है अभी तक, जो अब टूट गई है. नो डिलीशियस. ऑलराइट दोस्तों, अब किया जाएगा वॉशरूम को क्लीन. बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे पर थोड़ी तो करेंगे. वॉशरूम का फ्लोर क्लीन करूंगी मैं. यस, आई एम अ वेरी मेहनती पर्सन.
our life would be like if we were dreaming and together we were wishing. Cause now I'm living in the city and you're back home, and all I'm doing is I'm staying. Okay, I'm done with washroom now. So now I'm gonna clean Himmat's washroom. What our life would be like if we were dreaming and together we were wishing. Cause now I'm living in the city and you're back home, and all I'm doing is I'm singing. Yes, I'm singing. सारे कमरों में समय स्पेंड किया गया है, बेडरूम में, क्लोजेट में, नानी के कमरे में, हिम्मत के कमरे में, मेकअप के रूम में, वॉशरूम्स में, और जो भी मैस निकली उसे नीचे लग गए. यू गाइस नो कितना समय हो गया मुझे क्लीनिंग करते हुए, बिकॉज आई एम सेल्फ क्रिटिकल वर्गो. सो मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया अभी, मुझे इतना काम दिख रहा है, इतना काम, बट मैंने डिसाइड किया है चिंता नहीं करनी, धीरे धीरे करनी. अब चेयर्स के लिए आज इतना ही, और ये मेरा योगा मैट जाएगा हिम्मत के रूम में, क्योंकि मैं वहाँ पे योगा करती हूँ. सो डन. गार्बेज को लेके जाना है नीचे, मेकअप ब्रशेस को लेके जाना है क्योंकि क्लीन करना है, वैक्यूम को लेके जाना है नीचे क्योंकि वैक्यूम भी मुझे करना है, और अब चलते हैं डाउनस्टेयर्स. लेट्स गो. ऑलराइट, अब मैं लेके जा रही हूँ आपको, एंड देन मैं लेके जाऊँगी वैक्यूम. लेट्स गो. इस एरिया को क्लीन करने के लिए भी प्लान बना लिया है. एक्चुअली मॉप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कल ही किया था, बस यहाँ पे ये थोड़ा सा डस्ट इकट्ठा हो गया था जिसको क्लीन कर देते हैं, सो वो शाइनिंग हो चुका है. ऑलराइट, वो है सारे कपड़े जिनको वॉश करना है, और लॉन्ड्री में वॉश किए कपड़ों को ऊपर लेके आना है, पर वो भी मैं आज नहीं करूँगी, कल करूँ. पर अब मैं करूँगी डाउन स्टेयर क्लीन. मेबी हेल्प कर आजा, कपड़े थल्ले रख के जिनने देखो बिल्कुल निकल. समय ऑलरेडी 3 बज रहे हैं, मुझे लगता है कि नीचे वाला काम है जो 1 घंटे में हो जाएगा. सो मैं 3:30 करना शुरू करूँगी, अराउंड 4:30 तक हो जाएगा, तब तक मेरे पति भी आ जाएंगे. डाउनस्टेयर मेरा मेन पर्पस है कोनों को क्लीन करना, थोड़ी सी डस्टिंग करना, झाड़ू एंड पोछा लगाना, दैट्स इट. उसके बिना मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बट डाउनस्टेयर वाला वॉशरूम भी करूँगी. ऑलराइट, मैंने गैस को मूव करके पीछे से भी क्लीन कर लिया. जब आप कोने कोने क्लीन करते हैं ना, पता नहीं क्या अलग से खुशी मिलती है. मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कोनों से, क्योंकि इस कोने में भी गंद मुझे दिख रहा था, और जब मुझे दिखता भी नहीं है तो मेरे दिमाग में रहता है. ये जो टेबल है इनके पीछे भी हिम्मत ने बहुत गंद मचा के रखा था, वो सारा मैंने क्लीन किया. सारे सोफे के बैक साइड अब क्लीन है, उसको मैं मॉप करके चमका दूंगी. मॉप के लिए मैं पानी की बाल्टी गर्म कर रही हूँ. मैंने कहा था कि मैं 3:30 क्लीनिंग शुरू करूँगी डाउनस्टेयर की, पर मैं वेट नहीं कर पाई. मैंने सोचा कि एनर्जी है तो यूज़ कर लेते हैं जल्दी से. सो अब पानी गर्म हो रहा है मॉप. झाड़ू एंड पोछा दोनों हो चुके हैं. पोछा लगाते हुए मैं सोच रही थी कि जिनने भी मेरे पास एनर्जी है, मैंने आज ही मुकानी है, मुझे लगता है इतना नहीं मुझे करना चाहिए. पर या अब ये डन हो गया है, देन चीज़ों को ऑर्गेनाइज. पर मैंने डाइनिंग एरिया ऑर्गेनाइज कर दिया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है. जब भी हम बाहर से आते हैं कुछ ना कुछ वहाँ पे रखते रहते हैं, पर उसको मैंने क्लीन कर दिया. सिर्फ इतने एरिया को टैकल करना है, अब मुझे वाइप करना है सारे कोनों को. Baby,
मुझे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि मैंने बोला था कि मैं ब्रेक लूंगी पर मैंने नहीं ली है और ये सारा एरिया मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है और चमचम कर रहा है। मेरे किसी ब्लॉग में जब मैंने फ्लोर को क्लीन किया था मैंने आपको बताया कि चमचम कर रहा है, कितनी बार बताया, मेरे हस्बैंड ने कहा कि इतनी बार दस्तने की जरूरत है कि चमचम कर रहा है। मैंने कहा कितनी मेहनत करके क्लीनिंग होती है, लाइक कितनी मेहनत लगती है जब फिनिश होता है काम, तो क्यों ना मैं उसको इन्जॉय करूँ, हस्बैंड नहीं समझेंगे मैम। सो अभी मैं वॉशरूम क्लीन करने जा रही हूँ क्योंकि वही लास्ट थिंग है आज के लिए। जल्दी आके लेट्स क्लीन दोस्तों, लुक एट माई शाइनी हाउस। अब हस्बैंड कहेंगे कि शाइनी शाइनी नजर ब्ला ब्ला, लुक एट द फ्लोर। आप यकीन माने अगर मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताऊंगी ना मैंने क्लीन किया है तो उनको शायद पता ही नहीं चलेगा। आज एक्चुअली टेस्ट करते हैं उनको कि उनको क्लीन में डिफरेंस पता चलता है, मैनू नहीं लगता कि उनको पता चलता है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अद्भुत क्लीनिंग का पार्ट जो है टॉयलेट क्लीनिंग। इसमें अद्भुत क्या है, मैंने इसमें क्लीनर डाला था बट हिम्मत यूज करके गया था वो फ्लश कर लिया, अड्डा खराब है हिम्मत। बहुत गंदी हो गई हूं। क्यों हो गया गंदी? मैं गंदी? गंदी तू तो छुड़ते ही है तू। पसीने आ गए, टॉयलेट आ क्लीन की किया, मैं फ्रेश बस सारी दिन फ्रेश रहा। झूठ बोला मैंने। ओके दोस्तों पति आ गए घर, अब डेफिनेटली मैं ब्रेक लेने वाली हूँ पर उस तो पहले मैं चल रही हूं नान हस्बैंड को पानी देते देन नहा के देन चाय पीएंगे। Yes, you can sit anywhere you want. Yeah, come. It's so cool and so amazing. Daddy, Mimi need to show you something very exciting. Daddy, open the door. Check Mimi room, Daddy. Oh, I like it. Oh, wait, you forgot something? Boom, 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 boom. It's a surprise. ज़्यादा स्पेशियस लगता ना? मैंने खेला। This is all place for Mimi to play. Daddy, come. Daddy, थोड़ी की विचारा Mimi ने नए रूम बाय। ठीक है। You like it? कह लो हाँ। I like it. ठीक है कह लो कि। मैं पंजाबी से संवाद रखना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत बढ़िया। गला ठीक क्योंकि there is always possibility of improvement। तो हम बेड बाहर कर दिए रूम जो इम्प्रूवमेंट दे चक्कर चे मिस्त्री जी दसो की करिए हम। मैंने नहा लिया है और मैं थोड़ा सा तैयार भी हो चुकी हूँ एंड अब मैं जा रही हूँ डांस पे एंड आई एम गोना सरप्राइज माय हस्बैंड। गाइस आप बंदा से कुछ खान दे ऑलरेडी प्यारी चाय बनाएंगी ओके दोस्तों समय हुआ है 5:30 और
मैं जितना क्लीन करना चाहती थी उससे ज़्यादा ही मैंने कर लिया, और बाकी की चीज़ें हम फ्यूचर में करेंगे। और या आज का दिन बहुत अच्छा प्रोडक्टिव था क्लीनिंग को लेके, और इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा, अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लीनिंग की वीडियोस बनाना मेरे लिए बहुत आसान है, पर आज हमें अच्छा सक्सेस मिला है, तो फिर मैं कल आप आज और कल सोने के समय मैं ना एक्चुअली मेडिटेट कर रही थी कि कल वाला दिन मेरा बहुत प्रोडक्टिव हो, कल मेरे कोई पेन ना हो। पेन मेरे हो रही है नन्नी मन्नी सी, बट इतनी नहीं है कि मैं बैठ जाऊँ। सो या आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा, अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन वहां पे है लाल रंग का, उसको क्लिक करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीसी, लेमन स्क्वीजी। बाय, लालू।